शिक्षक सम्मान सम्मेलन में आज पधारे भारत सरकार के शिक्षा कौशल मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, मैं इस हाड़ौती की धरती पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं यहां उपस्थित सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूं, जिनके अथक प्रयासों से, कड़ी मेहनत से, परिश्रम से, समर्पण से आज आजादी के 75 साल बाद इस देश ने अपनी श्रेष्ठता, अपना सम्मान, अपना कौशल दुनिया में मनाया है। अगर इसमें किसी का योगदान है तो भारत के शिक्षकों का है, भारत के गुरुओं का है। आज हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी को पुनः स्मरण करते हैं, जिन्होंने कहा था कि छात्रों को देश की सभ्यता और संस्कृति से जोड़ते हुए भावी नागरिक बनाना है तो वह दुनिया के अंदर केवल गुरुदेव बना सकते हैं, शिक्षक ही बना सकते हैं। और आज हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि इस 75 साल की इस लोकतंत्र की यात्रा में हमारे शिक्षकों ने अपने जीवन में समर्पण कर इस देश और राष्ट्र का गौरव बढ़ाने का काम किया है। ये बात सही है कि हम गुरुकुल पद्धति संस्कृति का विश्वास करते हैं और जिस तरीके से गुरुकुल पद्धति में माँ पिता पैदा जरूर करते हैं और उसके बाद गुरुकुल में भेजकर वह गुरु को अपने बच्चों को समर्पित कर देते हैं और उस गुरुकुल शिक्षा पद्धति में उस गुरु ही व्यक्ति के जीवन में निर्माण का काम करता है। जिस तरीके से एक कुमार एक हाथ में मिट्टी का डरा होता है, दूसरी तरफ उस डरे के अंदर निर्माण कर बर्तन या कुछ ही बनाने का काम करता है। ये निर्माण की जो पद्धति है, चरित्र निर्माण की पद्धति है, व्यक्ति निर्माण की पद्धति है, वो अगर पद्धति से किसी ने बनाया है तो गुरु ने ही बनाया है। और इसीलिए आज साथियों में कह सकते हैं कि माता पिता जन्म जरूर देते हैं लेकिन अगर कोई जीवन देता है, संस्कार देता है, सभ्यता देता है तो वह गुरु ही देता है। और इसीलिए जो कुछ भी एक शिक्षक के पास होता है वह शिक्षक अपना कुछ समर्पण उस विद्यार्थी में कर देता है। ये समर्पण सेवा त्याग के कारण ही आज नदी के 75 साल बाद भी इस देश में अगर सबसे बड़ा सम्मान है तो गुरुवर का है और आज भी वो सम्मान बदतर है। साथियों, बदलती परिस्थिति के अंदर आज आजादी के 75 साल के अंदर हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता, उनकी कुशलता, उनकी कार्यक्रम की क्षमता, जो गुरु ने उनको ज्ञान को दिए, उसी युवाओं की श्रेष्ठता के कारण आज दुनिया के अंदर भारत का गौरव सम्मान बढ़ा रहे हैं तो देश का नौजवान बढ़ा रहा है। और इसीलिए वो नौजवान अद्भुत क्षमता हो, उसमें आत्मविश्वास हो, उसमें काम करने का जुनून है, ये सब बातें किसी ने पैदा की है तो गुरुवर ने पैदा की है। और इसी आत्मविश्वास के कारण जब कभी बच्चा या नौजवान बाल्यकाल में विचलित होता है या कभी पढ़ते समय कुछ निराश होता है, उस निराशे में निकालकर आत्मविश्वास और उस बच्चे के अंदर ये आत्मविश्वास पैदा करना कि भविष्य के अंदर इस भारत के निर्माण में, इस भारत के गौरव के अंदर, इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने का अगर सबसे बड़ा जिम्मेदार होगा तो नौजवान होगा,
विद्यार्थियों का। ऐसे गौरव पुरुषण के कारण आज विद्यार्थियों ने अपनी कार्य कुशलता के कारण भारत का गौरव सम्मान बढ़ाया है। ये बात सही है कि आज भी शिक्षक अपने परिवार से ज्यादा अपने विद्यार्थी और छात्र को समर्पित रहता है और यही संस्कार और यही संस्कृति आज हमारे बीच में है। साथियों, हमारी चिंतन परंपराओं के अनुसार शिक्षण संस्थाओं ने केवल विद्यार्थियों की शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक निर्माण नहीं किया, उसके जीवन के व्यक्तित्व और उसके जीवन के चरित्र निर्माण का काम भी शिक्षक ने किया है। इसलिए आज हमारे सब शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि बदलती परिप्रेक्ष्य के अंदर, बदलते भारत के अंदर हम किस तरीके से आने वाले नौजवान को तकनीकी नए इनोवेशन की शिक्षा देकर दुनिया के अंदर सबसे श्रेष्ठ हमारा नौजवान हो, सबसे श्रेष्ठ हमारा विद्यार्थी हो, ये और समर्पण के साथ हमें सेवा करने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि शिक्षक किस कठिन परिस्थितियों में काम करता है। आजादी के बाद जब भारत आजाद हुआ था उसके पहले भी जिस कठिन परिस्थितियों में गांव में सड़कें नहीं हुआ करती थी, पानी नहीं हुआ करता था, बिजली नहीं हुआ करता था, लेकिन शिक्षक अपने दायित्व का उस समय भी निभाव करता था। और आजादी के बाद भी जब विकास के कोई विकास नहीं था गांव में, उस समय भी शिक्षक अपने परिवार का त्याग कर उस दूर दराज गांव के अंदर बैठे उस नौजवान के जीवन में रोशनी करने का काम किया तो शिक्षक ने किया। और इसीलिए ये शिक्षक सम्मान समारोह हम सबके लिए समर्पण का पर्व होता है कि हम आने वाली पीढ़ी के अंदर किस तरीके की संस्कृति संस्कार डालें कि वह हमेशा जिस तरीके से हमारी गुरुकुल पद्धति थी, जिस हमारी प्राचीन पद्धति थी कि गुरु विष्णु महेश, उसमें अगर सबसे समान रखा है तो हमने शिक्षक का रखा है। इसी संस्कृति संस्कार को बढ़ाने के लिए आज का दिन शिक्षक दिवस हमारे लिए सबसे बड़ा पर्व है। और आज हम यही आह्वान करना चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी के अंदर भी इसी तरीके की संस्कृति हो, संस्कार हो, समर्पण हो अपने गुरुओं के प्रति। जितना गुरुओं के प्रति समर्पण होगा उतना ही श्रेष्ठ विद्यार्थी बनेगा। और इसीलिए आज का दिन हम गुरुओं का पूजन का दिन है। हर शिष्य को दुनिया के अंदर चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति बन जाए, उसके जीवन के अंदर उसके व्यक्तित्व निर्माण से लेकर उसके जीवन के निर्माण में अगर सबसे बड़ी भूमिका है तो शिक्षक की है। और ये समर्पण शिक्षक का हमेशा गुरुओं के प्रति रहना चाहिए ताकि गुरुओं की हमारी जो संस्कृति संस्कार है वो जीवंत रहे। और आज मैं कह सकता हूं भारत के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिन्होंने हमेशा गुरुओं का सम्मान किया है और वह कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हूं लेकिन आज भी भारत का सेवक हूं और ये सेवक होने का काम और मेरे व्यक्तित्व निर्माण में काम है तो मेरे गुरुवर का है। मेरे गुरुवर की 90 साल की उम्र है लेकिन आज भी वो मेरी चिंता करते रहते हैं। तो साथियों, कोई व्यक्ति किसी भी पद पर पहुंच जाए, कितना भी बड़ा व्यक्ति बन जाए, लेकिन उसके जीवन में गुरु का मार्गदर्शन हमेशा उसके साथ रहता है। मेरे जीवन में भी आज यहाँ पर मुझे प्रारंभिक काल से माध्यमिक माध्यमिक से बात बोले, मेरे जीवन के अंदर जो कुछ भी निर्माण का व्यक्ति निर्माण में अगर भूमिका है तो इन गुरुदेवों की है। और मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आज बड़ी संख्या में यहाँ सब शिक्षक आए, हम सब शिक्षकों का सम्मान करें और शिक्षक भी बदलती परिस्थितियों के अंदर किस तरीके से हम आने वाली शिक्षा नीतियों के आधार पर एक बालक को श्रेष्ठ बालक बना सकते हैं, एक बालक को आत्मविश्वास पैदा कर सकते हैं, एक बालक के जीवन में ये धारणा पैदा कर सकते हैं कि इस जीवन के सृष्टि के अंदर जो कुछ भी दुनिया के अंदर परिवर्तन हुआ है वह मनुष्य ने किया है, नौजवान ने किया है, वही क्षमता तेरे में है और इसी क्षमता के साथ तुझे काम करना है कि आजादी के 75 साल के लोकतंत्र की यात्रा के बाद
जब आजादी का शताब्दी वर्ष हो, उस शताब्दी वर्ष के अंदर भारत के नए निर्माण में, भारत के गौरव सम्मान में अगर सबसे बड़ा योगदान हो तो आने वाली पीढ़ी को और इस पीढ़ी को अच्छे संस्कार, शिक्षण, चरित्र निर्माण और दिशा देने का काम करना है तो गुरुवर का करना है। मैं इस मौके पर सभी गुरुवरजनों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और आज का दिन हमारे लिए संकल्प का दिन है कि किस तरीके से हम विद्यार्थियों को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी बना सकें ताकि शिक्षित भारत होगा और प्रधानमंत्री का जो सपना है कि आजादी के 100 साल हो जब हम विकसित राष्ट्र बने और विकसित राष्ट्र बनाने में अगर सबसे बड़ी भूमिका हो छात्र नौजवान की हो। मैं आशा करता हूं इसी संकल्प के साथ हम आज यहां पर गुरुओं का सम्मान करते हैं और गुरु परंपरा के अनुसार इस सम्मान के तहत गुरुवर भी बदलती परिस्थितियों में कैसे विद्यार्थियों के जीवन में नया परिवर्तन लेने आएंगे, ये आज संकल्प का पूरा है। मैं पुनः शिक्षा मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो अल्प समय में आज इस कार्यक्रम में पधारे और आप सभी शिक्षकों को पुनः प्रणाम करता हूं कि आपके कारण ही भारत श्रेष्ठ बनाए और भारत श्रेष्ठ बनाने में आपका योगदान, समर्पण, सेवा इसी तरीके से रहेगी ताकि भारत दुनिया के अंदर आर्थिक, सामाजिक हर क्षेत्र में आगे रहे, संस्कार संस्कृति में आगे रहे तो हमारे शिक्षकों के कारण रहे। आप सभी शिक्षकों बहुत बहुत प्रणाम। जो आप बड़ी संख्या में आए, दूर दराज इलाकों से आए, गांव ढाणी से आए, आप सबको इस कठिन परिश्रम में आए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।